महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUVs की रेंज को इंडियन मार्केट में अनवील कर दिया है और ये सभी SUVs महिंद्रा के नए इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी। कंपनी ने इन 5 SUVs को 2 ब्रांड्स में कैटेगराइज किया है, पहला XUV इलेक्ट्रिक और दूसरा बॉर्न इलेक्ट्रिक, जिसमें से XUV इलेक्ट्रिक 2024 तक अपने मॉडल्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी और बॉर्न इलेक्ट्रिक 2025 तक। XUV इलेक्ट्रिक सब ब्रांड के 2 मॉडल्स फिलहाल इंडिया में लॉन्च होंगे, पहला XUV E8 और दूसरा XUV E9। वहीं महिंद्रा की नई सब ब्रांड बॉर्न इलेक्ट्रिक के 3 मॉडल्स इंडिया में लॉन्च होंगे, पहला बॉर्न इलेक्ट्रिक 05, दूसरा BE07 और तीसरा BE09। ये सभी इलेक्ट्रिक SUV सेम प्लेटफॉर्म और सेम बैटरी मॉड्यूल्स को शेयर करेंगी। महिंद्रा की XUV ब्रांड अपने ICE मॉडल्स के लिए पहले से ही जानी जाती है, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक मॉडल्स को आइडेंटिटी देने के लिए कंपनी इन मॉडल्स में एक नया लोगो देगी जो कॉपर फिनिश के साथ आएगा और इनकी पहली इलेक्ट्रिक SUV 2024 तक इंडिया में आएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन सभी इलेक्ट्रिक SUVs का रिव्यू करने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आपको इन इलेक्ट्रिक SUVs के डिज़ाइन, डायमेंशंस और फीचर्स से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करें महिंद्रा के सबसे पहले इलेक्ट्रिक मॉडल यानी कि XUV E8 की, तो ये SUV महिंद्रा की जो प्रेजेंट में फ्लैगशिप SUV है XUV 700, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन होगी। इसकी डायमेंशंस की बात करें तो XUV E8 की लेंथ 4740 mm होगी, विड्थ 1900 mm होगी, हाइट 1760 mm होगी और इसका व्हील बेस 2762 mm का होगा। डिज़ाइन की बात करें तो XUV 700 के इलेक्ट्रिक वर्जन के डिज़ाइन में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ये SUV एक चौड़ी LED बार लाइट के साथ आएगी जो इसके बम्पर और फ्रंट ग्रिल को पूरा कवर करेगा और इसके फ्रंट डिज़ाइन में कुछ एंगुलर कट्स और बम्पर माउंटेड हेडलैम्प्स मिलेंगे जो इस SUV को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लुक देंगे। रियर प्रोफाइल से ये SUV XUV 700 के सिमिलर ही दिखेगी। महिंद्रा ने यह भी कंफर्म किया है कि ये इलेक्ट्रिक SUV ऑल व्हील ड्राइव और 80 किलोवाट तक की रेंज वाले बैटरी पैक के साथ आएगी और इसकी पावर 230 HP से 350 HP के बीच होगी। XUV E सब ब्रांड का दूसरा मॉडल होगी XUV E9। ये मॉडल 2025 तक इंडिया में आएगा और ये किसी भी प्रेजेंट मॉडल का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है, बल्कि ये एक कूपे डिज़ाइन वाला 5-सीटर न्यू मॉडल है। डायमेंशंस की बात करें तो XUV E9 की लेंथ 4790 mm होगी, इसकी विड्थ 1905 mm होगी, हाइट 1690 mm की होगी और इसका व्हील बेस 2775 mm का होगा। डिज़ाइन की बात करें तो इसकी फ्रंट ग्रिल, बम्पर माउंटेड हेडलैम्प्स और लाइट हाउसिंग XUV E8 से सिमिलर ही रहेंगे, लेकिन इस SUV को कूपे डिज़ाइन देगा इसका फ्लैट रियर और चंकी टेल सेक्शन। इसके साथ ही इस SUV में चारों तरफ से मिल जाती है ग्रॉस ब्लैक क्लैडिंग जो हमें XUV E8 में नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये थे महिंद्रा की पहली सब ब्रांड XUV इलेक्ट्रिक के 2 मॉडल्स। अब बात कर लेते हैं महिंद्रा की दूसरी सब ब्रांड बॉर्न इलेक्ट्रिक की और इसके अंदर आएंगे 3 मॉडल्स, पहला बॉर्न इलेक्ट्रिक 05, दूसरा BE07 और तीसरा BE09। बात कर लेते हैं सबसे पहले BE05 की। BE05 सी शेप्ड हेडलैम्प्स और बड़े एयर डैम्स के साथ आएगी जो इस SUV को एक एग्रेसिव लुक देंगे और शायद यही रीज़न रहा होगा कंपनी का इसे स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल लेबल करने का। साइड प्रोफाइल से BE05 में मिल जाते हैं बड़े टायर्स, ब्लैक स्क्वायर्ड व्हील आर्चेस के साथ जो इसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देते हैं। साथ ही इस SUV में फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे जो इसके दरवाजे के टॉप में होंगे। कूपे SUV होने के नाते इसमें मिलेगी एक स्लोपी रूफ लाइन जो अच्छी तरह से इसके चंकी रियर एंड तक जाएगी। रियर प्रोफाइल में मिल जाते हैं सी शेप्ड LED टेल लाइट और एक हैवी स्टाइल वाला बम्पर। इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो इसमें ड्राइवर फोकस्ड कैबिन दिया हुआ है और ड्राइवर और पैसेंजर एरिया को अच्छे से डिवाइड करने के लिए इसमें दिया हुआ है एक सेंटर कंसोल। इस इलेक्ट्रिक SUV का मेन अट्रैक्शन रहेगी इसमें मिलने वाली बड़ी ट्विन टच स्क्रीन और इसका 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील। इसके साथ ही मिल जाएगा एक रोटरी कंट्रोल और लार्ज गियर सेलेक्टर। फाइनली अब डायमेंशंस की बात करें तो BE05 की लेंथ 4370 mm की होगी, इसके विड्थ 1900 mm की होगी, इसकी हाइट 1635 mm की होगी और इसका व्हील बेस 2775 mm का होगा। अगली SUV है BE07 जो एक इलेक्ट्रिक SUV है
इसके डिज़ाइन की बात करें तो BE07 में BE05 की तरह ही सी शेप्ड हेडलाइट और टेल लाइट मिलती है, लेकिन इसका डिज़ाइन BE05 की तरह शार्प और एजी नहीं है। बात करें BE07 के डायमेंशंस की तो इसकी लेंथ 4,565 mm की है, विड्थ 1,900 mm की है, हाइट 1,660 mm की है और इसका व्हील बेस 2,775 mm का है। इंटीरियर की बात करें तो महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक SUV में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसके डैशबोर्ड पर फिजिकल कंट्रोल्स हटा के कंपनी ने पूरे डैशबोर्ड को एक टच स्क्रीन से कवर कर दिया है और ये SUV आएगी एक बड़े पैनोरामिक सनरूफ के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये फीचर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं महिंद्रा की सब ब्रांड बॉर्न इलेक्ट्रिक के तीसरे मॉडल यानी कि BE09 की। तो ये SUV BE05 की तरह ही एक कूपे SUV डिज़ाइन में आएगी। हालांकि कंपनी ने इस SUV से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक रिवील नहीं की है, लेकिन लुक्स से ये SUV BE07 का कूपे वर्जन लगती है और महिंद्रा का कहना यह है कि BE09 फोर सीटर में अवेलेबल होगी। तो दोस्तों, ये थी महिंद्रा की 5 इलेक्ट्रिक SUVs जिन्हें महिंद्रा ने 15 अगस्त को इंडियन मार्केट में अनवील किया था और जल्दी ही इलेक्ट्रिक SUVs आपको इंडियन रोड्स में देखने को मिल जाएंगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन इलेक्ट्रिक SUVs में जो फीचर्स आपको मिलेंगे वो आपको कैसे लगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल द ड्यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।